आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जावा में, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो उसमें भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। बट जावा में यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एज ए हम लोग कैरेक्टर के एरे में हम लोग ले सकते हैं, या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग उसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जनरली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बट इन जावा स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे जावा में। द जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास होता है, ठीक है, स्ट्रिंग एक क्लास है जिसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके ही अंदर हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मेथड है यहाँ पे बाय स्ट्रिंग लिटरल, बाय स्ट्रिंग लिटरल। सेकेंड मेथड है यहाँ पे बाय न्यू कीवर्ड। दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड में आते हैं हम लोग यहाँ स्ट्रिंग लिटरल। जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट्स के हम लोग लिख दें यहाँ पे वेलकम। ईच टाइम यू क्रिएट ए स्ट्रिंग लिटरल द जेवीएम चेक्स द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल फर्स्ट। इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल ए रेफरेंस टू द पूल इंस्टेंस इज रिटर्न। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल ए न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड प्लेस्ड इन द पूल। ठीक है, अब यहाँ पे पूल का मतलब क्या है? पूल का मतलब होता है यहाँ पे सीक्वेंस, मेमोरी। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे इस डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे मेमोरी में एग्जिस्ट करता है पहले से, हम लोग उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको इनिशलाइज कर चुके हैं, तो उसको सबसे पहले चेक करेगा कि सेम स्ट्रिंग पूल में है कि नहीं है। पूल मीन्स मेमोरी, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है पूल पे, मतलब मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके इंस्टेंस को रिटर्न करेगा या फिर रिफर करेगा उसको, रेफरेंस टू द पूल्ड इंस्टेंस। ठीक है, मतलब उसी के रेफरेंस को वो रिटर्न करेगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट जो है जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है पूल में, तो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट किया जाता है पूल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो स्ट्रिंग S1 हमने बनाया और उसके अंदर वेलकम लिख दिया, ठीक है। देन एक और हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग S2 बनाया, उसमें भी वेलकम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों में कंटेंट सेम है, यहाँ दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग S1 जो है उसके अंदर वेलकम लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे वेलकम से इनिशलाइज कर दिए। स्ट्रिंग S2 जो है उसको भी वेलकम से किए हैं, लेकिन S1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है पहले से और S2 नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखो बताएगा इट डजेंट क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के पास सेम कंटेंट है, दोनों के पास सेम कंटेंट है, ठीक है, तो वो सेम कंटेंट के लिए अलग अलग मेमोरी नहीं देगा। S2 को भी किसके पास रिफर कर देगा? S1 के पास रिफर कर देगा, ठीक है, अगर सेम कंटेंट होगा तो। क्योंकि मेमोरी में ऑब्जेक्ट तो इनिशलाइज होता ही है, साथ में इस कंटेंट को भी देखा जाता है, ताकि कंटेंट जितना भी बड़ा हो, अगर मान के चलो कोई एक पैराग्राफ का कंटेंट है हमारे पास, तो एक पैराग्राफ के कंटेंट में अगर मान के चलो 2 KB की मेमोरी ले रही है, या फिर 2 बाइट्स की, या फिर मान लो 4 बाइट्स की अगर मेमोरी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस स्ट्रिंग के लिए, तो
वापस से 4 बाइट्स की मेमोरी जो है फिर से अलोकेट नहीं होगी, वो सिंगल 4 बाइट ही अलोकेट होगा, बस रेफरेंस चढ़ जाएगा S2 के लिए S1 का, मतलब S2 में किसका रेफरेंस आ जाएगा, S1 का रेफरेंस आ जाएगा, और ये रेफरेंस के साथ इस कंटेंट को यहाँ कॉपी कर दिया जाता है, मीन्स उसको इंस्टेंशिएट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक डायग्राम के थ्रू, तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्टैक मेमोरी में बनता है, तो सबसे पहले S1 बना फिर S2 बना, S1 के पास भी सेम कंटेंट है, S2 के पास भी सेम कंटेंट है, तो दोनों इस पूल को रिफर करेंगे जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, जो कि हमारी हीप मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। ओके, इन द अबव एग्जाम्पल ओनली वन सब्जेक्ट इज सॉरी ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फर्स्टली JVM विल नॉट फाइंड एनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू वेलकम इन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, डेट इज वाई इट विल क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट, आफ्टर डैट इट विल फाइंड द स्ट्रिंग द वैल्यू वेलकम इन द पूल, इट विल नॉट क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट बट इट विल रिटर्न द रेफरेंस टू द सेम इंस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे वेलकम नाम का स्ट्रिंग जो था, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटेंट डाले थे वेलकम, वो नहीं मिलेगा पूल पे, तो न्यू क्रिएट कर देगा। ठीक है, सेकंड में सेम हम लोग स्ट्रिंग से इनिशलाइज कर रहे हैं, तो क्या करेगा, उसको पुराने वाले स्ट्रिंग पे ही रिफर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करके लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल मेमोरी एरिया नोन एज द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। ओके, अब यहां पे देखते हैं व्हाई जावा यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, टू मेक जावा मोर एफिशिएंट बिकॉज नो ऑब्जेक्ट्स नो न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इफ इट एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स का हम लोग को यहाँ पे यूज बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेमोरी जो कंज्यूम हो रहा है, अगर किसी भी एप्लीकेशन पे हम लोग बड़े बड़े स्ट्रिंग्स लेते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में कोई भी कंटेंट हम लोग डालते हैं, ठीक है, अगर सेम कंटेंट है तो हम लोग को अलग से मेमोरी उसके लिए कंज्यूम करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हम लोग एड्रेस का कॉलम होता है, ठीक है, एक एड्रेस होता है करंट एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस, कई लोग का रहता है जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो वहाँ करंट एड्रेस में डाल देते हैं, वहाँ पे एक टिक ऐसे कर देते हैं और बाकी सारा चीज़ कॉपी हो जाता है। कभी ध्यान देना कि परमानेंट एड्रेस में अगर टिक कर दोगे तो वो नॉन एडिटेबल रहता है, मतलब एडिट उसको नहीं कर सकते, इसका मतलब वहाँ पे जो स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है वो स्ट्रिंग लिटरल यूज़ किया जाता है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग मेमोरी को रिफर कर सकते हैं अगर सेम स्ट्रिंग होगा तो। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय न्यू कीवर्ड, जैसा हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसका सिंटेक्स देख लेते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर दिए हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है इस एस में इनिशलाइज हो जाएगा, क्रिएट्स टू ऑब्जेक्ट एंड वन रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इन सच केस JVM विल क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल नॉन पूल हीप मेमोरी एंड द लिटरल वेलकम विल बी प्लेस्ड इन द कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, द वेरिएबल एस विल रिफर टू द ऑब्जेक्ट इन ए हीप नॉन पूल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग ने
जो स्ट्रिंग लिटरल बनाया था वो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मेमोरी कंज्यूम करेगा, लेकिन जब हम लोग न्यू कीवर्ड से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल हीप मेमोरी में आएगा, मतलब नॉन पूल हीप मेमोरी वहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। जैसे बाकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हीप मेमोरी में वो मेमोरी कंज्यूम करते हैं, वैसे ही ये भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं पब्लिक क्लास स्ट्रिंग एग्जाम्पल, मैंने एक क्लास ले लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग S1 बनाए, उसके अंदर हम लोग जावा से इनिशलाइज कर दिए स्ट्रिंग S1, उसको जावा से इनिशलाइज कर दिए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर का एक एरे क्रिएट किए CH, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर अलग 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 यहाँ पे हम लोग ने कैरेक्टर्स दे दिया है, ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग लिटरल के अंदर में आता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग S2 हमने बनाया इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग CH, ठीक है। एरे को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, ठीक है, कन्वर्टिंग कैर एरे टू स्ट्रिंग। इस CH को हमने किस में पास कर दिया, इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, वो स्ट्रिंग जो हम लोग बना रहे थे कैरेक्टर के एरे से, जो कि हमारा लिटरल था, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप में चेंज कर दे रहे हैं। अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग उसको बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग दे दिए, ठीक है। क्रिएटिंग जावा स्ट्रिंग बाई न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड से एक नया स्ट्रिंग बन रहा है इस लाइन पे, ठीक है। तीनों को हम लोग एक एक करके प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन S1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन S2, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन S3, ठीक है। तो S1 में कौन सी वैल्यू है, S1 में है जावा, तो क्या प्रिंट करेगा, जावा प्रिंट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद S2 को प्रिंट कर रहे हैं, S2 के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने पास किया है CH, ठीक है। CH क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, और एरे के अंदर हम लोग यहाँ सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग्स लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एक साथ स्ट्रिंग्स प्रिंट करेगा। देन उसके बाद स्ट्रिंग S3 को प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग S3 के अंदर क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रिंट किया, ओके। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। इस और इसको हम लोग सबसे पहले सेव कर लेते हैं, सेव किए यहाँ पे जावा BCA3 डॉट जावा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने सेव कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे ही हम लोग ने लिटरल बनाते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं जावा, ओके। फिर हम लोग उसमें उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कैर टाइप का एरे बनाते हैं, कैर CH, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग S T R I
एन जी और एस स्ट्रिंग्स। ठीक है, एक और हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे CH को। एक न्यू स्ट्रिंग एक और बनाते हैं, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में लिख देंगे साई कॉलेज। ओके, देन उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग कर दिए। उसके बाद इसके अंदर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, S1 को प्रिंट कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर सेम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, S2 को प्रिंट कर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे S3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया, किसका वेरिएबल है, स्ट्रिंग का एक नॉर्मल लिटरल वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने उसको जावा से इनिशियलाइज कर दिया। देन उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप का एक एरे हमने बनाया है और उसके अंदर सिंगल कोट्स में सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को कॉमा से सेपरेट करके हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया। स्ट्रिंग S2 हमने बनाया, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस CH नाम के एरे से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग हम लोग ने क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग साई कॉलेज स्ट्रिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, कैसे रन करेंगे हम लोग। रन करने के लिए हम लोग आ जाते हैं कमांड पे CMD, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CD बैक स्लैश E CD जावा BCA3। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे जावा C स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जावा स्ट्रिंग एग्जाम्पल से हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जावा जो S1 की वैल्यू थी, S2 की वैल्यू थी स्ट्रिंग्स, S3 की वैल्यू थी साइन कॉलेज, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर का एरे भी देखा।